देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने एक मेंबर बनाया नेम ऑफ साइज 30। ये क्या है, क्या है वो? एरे है, ठीक है। किसके अंदर बनाया हुआ है? स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जब से हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किए, सब हर एक प्रोग्राम में इस टाइप का एक एरे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। आया समझ में? तो क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे हमने बनाया, ठीक है, एरे विद इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया, रोल नंबर, ठीक है। तो दो डेटा मेंबर इसके अंदर है, कौन कौन सा? नेम और रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका एक वेरिएबल बनाया। किसका वेरिएबल बनाया? स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो ये हमने जो वेरिएबल बनाया, इसके अंदर कितने मेंबर्स अवेलेबल होंगे? कितने मेंबर्स? दो मेंबर्स, नेम और रोल नंबर। अब इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं बताओ? डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट ऑपरेटर से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इनपुट ले लेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग नेम को भी इनपुट ले लेंगे, ठीक है, ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों को प्रिंट कर दिए, ठीक है। कुछ भी नया इसमें नहीं है, हम लोग एरे हमेशा यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। कुछ भी इसमें नया नहीं है, समझ में आया? पक्का? ठीक है, आगे बताने की जरूरत है क्या इसको और अच्छे से? ठीक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर एज ए डेटा मेंबर हम लोग एरे यूज कर रहे हैं, ठीक। पिछले टॉपिक में हम लोग क्या किए थे? स्ट्रक्चर का एरे बनाए थे। किसका एरे बनाए थे? स्ट्रक्चर का एरे। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर एरे यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक में अपन चलते हैं, ठीक है। नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा हम लोग ने नेस्टेड लूप पढ़ा था, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, नेस्टेड डू व्हाइल लूप, ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग एरे स्ट्रक्चर भी बनाए। वैसे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया एड्रेस, ठीक है। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? एड्रेस। इसके अंदर में हमने तीन मेंबर बनाया, कैर सिटी ऑफ साइज 20, इंट पिन और कैर फोन ऑफ साइज 14, ठीक है। तीन मेंबर इस एड्रेस के अंदर में, ठीक है। ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडिविजुअल अलग ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय। क्या बनाया? एम्प्लॉय। इसके अंदर दो मेंबर है, कैर नेम ऑफ साइज 20, ठीक है, और दूसरा मेंबर है स्ट्रक्ट एड्रेस एड, ठीक है। हमने इस स्ट्रक्चर का एज ए डेटा मेंबर हमने इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल कायदे से कहाँ पे बनना था? मेन के अंदर में बनना था या फिर यहाँ पे बनना था, है ना? लेकिन हमने किस में बनाया? इस स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर ऐसे डेटा मेंबर हमने बनाया, ठीक है। तो अब इस एम्प्लॉय के अंदर में कितने मेंबर अवेलेबल है टोटल? नेम, फिर उसके बाद इस एड के अंदर कितने अवेलेबल है? सिटी, पिन और फोन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए इस एम्प्लॉय के पास? चार मेंबर हो गए, ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर ये सिटी, पिन और फोन को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले इस एम्प्लॉय का हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल के बाद हम लोग को इस एड को एक्सेस करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो EMP1, ठीक है, कैसे एक्सेस करना पड़ेगा इसको? EMP1 हमने किसका बना लिया? एम्प्लॉय का, ठीक है। EMP1 हमने बना लिया, ठीक है। EMP1 के अंदर में क्या अवेलेबल है?
एड और नेम। अब इस एड के अंदर तीन और मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। एड के अंदर कितने मेंबर अवेलेबल है? तीन। अब इस सबसे पहले तो इस एड को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एड को एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग? EMP वन डॉट एड एक्सेस हो जाएगा, समझ में आया। फिर उसके बाद एड के अंदर में क्या है? सिटी, पिन और फोन। अगर मुझे इस सिटी को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? डॉट सिटी, ठीक है, समझ में आया। EMP वन के अंदर एड अवेलेबल है, एड के अंदर सिटी अवेलेबल है, और हम लोग ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, ठीक है। डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर तीन मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिए, ठीक है, लेकिन एज ए डेटा मेंबर हमने लिया है। क्लियर, समझ में आया? तो ये एक पहला तरीका था, ठीक है, समझ में आया ना सबको कि नहीं आया? अरे हाँ आया ना, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोलते हो, कैसे पता चलेगा मुझे? ठीक है, क्लियर है इतना। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग मेन पेज, ठीक है। हमने यहाँ पे किसका वेरिएबल बना लिया? एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाया, ठीक है। एम्प्लॉय EMP हमने एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर स्कैन एफ हमने लगाया, %s %s %d %s, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे EMP डॉट नेम एक्सेस किया, ठीक है। EMP के अंदर नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर नेम है। हमने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का ही वेरिएबल बनाया है EMP, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इस ऐड की। ऐड को भी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस ऐड के अंदर तीन और मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? EMP डॉट ऐड डॉट सिटी, ठीक है। पिन को कैसे एक्सेस करेंगे? EMP डॉट ऐड डॉट पिन। फिर उसके बाद फोन को कैसे एक्सेस करेंगे? EMP डॉट ऐड डॉट फोन। आगे समझ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्कैनर लगा के इनपुट ले लिया, फिर उसके बाद प्रिंटर से हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, नेम इक्वल टू %s, ठीक है, सिटी %s, पिन %d, फोन %s, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम उसको एक्सेस किया, EMP डॉट नेम, EMP डॉट ऐड डॉट सिटी, EMP डॉट ऐड डॉट पिन, EMP डॉट ऐड डॉट फोन, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, और हमने डाला अरुण, दिल्ली, और उसका पिन डाला, ठीक है, और ये उसका फोन नंबर है, ठीक है। चारों इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया। अब चारों इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? नेस्टेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ में आया? चलो इसको नोट करो फटाफट। तो हमारे पास यहाँ दो तरीका है, ठीक है, बाय सेपरेट स्ट्रक्चर और सेकंड बाय एम्बेडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो सेपरेट स्ट्रक्चर का एग्जांपल था, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था? दो अलग अलग स्ट्रक्चर हमने बनाया था, स्ट्रक्ट एड्रेस और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहला यहाँ पे सेपरेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया डेट, ठीक है। स्ट्रक्चर का नेम क्या है? डेट, ठीक है। उसके अंदर तीन मेंबर है, इंट DD, इंट MM, इंट YYYY, ठीक है। DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ, और YYYY मतलब ईयर, ठीक है। डेट समझ में आता है सबको? डेट मतलब तारीख, दिनांक, ठीक है, तुम लोग कुछ और सोचते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक
एम्प्लॉय हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, इंट आईडी, नेम और डेट, ठीक है। तो डेट का हमने एक वेरिएबल बनाया डी ओ जे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इस डी ओ जे के अंदर कितने मेंबर अवेलेबल है, डी डी एम एम और वाई वाई वाई, ठीक है, समझ में आया। और यहां पे हमने एक ई एम पी वन करके इस एम्प्लॉय का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इस ई एम पी वन में टोटल कितने मेंबर अवेलेबल होंगे ये बताओ, कितने मेंबर अवेलेबल होंगे, ई एम पी वन के अंदर कितने मेंबर अवेलेबल होंगे, कौन कौन से, पांच, आई डी, नेम, डी डी, एम एम, वाई 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 वाई, कितने हो गए, पांच अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो हम लोग इस डी डी एम एम वाई 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 को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, मुझे इस एम एम को एक्सेस करना है, अब बताओ कैसे एक्सेस करेंगे, बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ, बताओ उधर ऑरेंज मास्क, हाँ आप बताओ कैसे एक्सेस करेंगे, खड़े हो जाओ, बताओ कैसे एक्सेस करेंगे, मुझे इस एम एम मेंबर को एक्सेस करना है, दिख रहा है एम एम, हाँ बताओ, ईएमपी वन डॉट एड कहाँ से आया, यहाँ पे एड है ही नहीं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने तीन मेंबर लिया, इंट आई डी, कैर नेम ऑफ साइज 20 और स्ट्रक्ट डेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज ए मेंबर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बना लिया, ठीक है, हम लोग ने पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे डाल दिया, हमने अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हम लोग ने इस स्ट्रक्चर के अंदर में ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, समझ में आया। बाय सेपरेट स्ट्रक्चर में हम लोग ने दो स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया था, ये स्ट्रक्चर अलग था और ये स्ट्रक्चर अलग था। अब हमने क्या किया, इस एम्प्लॉय के अंदर में ही यहाँ पे एक स्ट्रक्ट डेट हमने बना लिया, ठीक है, डेट नाम का स्ट्रक्चर हमने कहाँ बनाया, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका एक वेरिएबल बनाया डी ओ जे, ठीक है, वेरिएबल किसका है, डेट का वेरिएबल, ठीक है, और ये वेरिएबल किसका है, एम्प्लॉय का वेरिएबल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हुआ है, मतलब एम्प्लॉय है तो उसका ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसके अंदर में सारे जो यहाँ मेंबर हम लोग ने डिफाइन किया है और एक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर में ही डिफाइन किया है, ठीक है। डेट स्ट्रक्चर के अंदर तीन मेंबर है, डी डी एम एम और वाई 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 वाई, समझ में आया। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे मान के चलो ई एम पी वन हमने सबसे पहले बना लिया, ठीक है, ये किसका वेरिएबल है, एम्प्लॉय का वेरिएबल, ठीक है। इस एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर में अगर हम लोग को इस डी डी एम एम और वाई 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 को एक्सेस करना है तो कैसे कर पाएंगे, ई एम पी वन डॉट डी ओ जे डॉट डी डी, ई एम पी वन डॉट डी ओ जे डॉट एम एम, ई एम पी वन डॉट डी ओ जे डॉट वाई 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 वाई, समझ में आया कि नहीं आया,
आ गया, यहाँ पे देख सकते हो emp1.doj.dd emp1.doj.mm emp1.doj.yyyy। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप के मेथड को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड स्ट्रक्चर। एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एज ए डेटा मेंबर दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग पूरा का पूरा बनाया है। ठीक है, आया समझ में? इसको भी नोट करो, लिखो एम्बेडेड स्ट्रक्चर और ये वाला नोट करना, ठीक है, और एक्सेसिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर ये भी नोट करना।